रेडमी नोट 4 के लिए AICP रोम का काफ़ी टाइम के बाद यानी कि काफ़ी मंथ के बाद अपडेट देखने को मिला है। हालांकि पीज में अगर आए होंगे तो नहीं किया था, लेकिन लास्ट रिव्यू की अगर बात करूँ तो 10 से 11 मंथ पहले वही जनवरी में ही किया था मैं, और अब जा कर के रिव्यू कर रहा हूँ। तब देखते हैं कितना चेंज हुआ है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि रोम पहले भी काफ़ी अच्छा था, स्मूथ था, गेमिंग भी अच्छी मिलती थी, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिली हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। AICP रोम की तरफ से ये एंड्रॉयड 11 का बिल्ड है। AICP एडिशन 16.1 है जो पहले भी था, लेकिन सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2022 का अपडेट कर दिया गया है। कर्नल में भी अब पर्फ वाला मिलता, पहले फ्यूजन वाला देखने को मिलता था। हालांकि सिलिनक्स हमारा इन्फोर्सिंग है जैसा कि पहले देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पर अगर हम सेटिंग में चले तो नेटवर्क इंडिया में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर हमारा जो कास्ट है पहले की तरह अभी भी वर्किंग मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AICP एक्स्ट्राज की बात करें तो अब इसके अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें से आपका इसमें तो फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑक्सिलरी के अंदर कोई चेंज नहीं है। नेविगेशन के अंदर यहाँ पर हार्डवेयर बटन के जो सेक्शन है, डिसेबल बटन हो गया आपका, या फिर कस्टमाइज बटन के ऑप्शन, ये न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार यहीं से आपको इनेबल करना होगा, और इसकी सेटिंग्स 3 बटन की तो यहीं पे मिल जाती है, बट जेस्चर अगर आपको यूज़ करना है फिर आपको सिस्टम के अंदर ही जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, जेस्चर में जाना पड़ेगा, तब यहाँ से सिस्टम नेविगेशन के अंदर से आप जेस्चर को सेलेक्ट कर पाओगे। ये पहले भी इसी तरीके से काम करता था, हालांकि हार्डवेयर बटन साथ में यूज़ नहीं कर पाओगे, पहले भी नहीं काम करती थी, तो इस तरीके से आप यहां से जेस्चर का यूज़ कर पाओगे। बट बटन के बाकी जो ऑप्शन ऐड किए गए यहां पे, डिसेबल बटन के ऑप्शन हो गए नीचे हार्ड बटन वाले, वो न्यू ऐड हुए हैं इसके अंदर में, तो ये हमें न्यू देखने को मिल जाते हैं। हार्ड बटन लाइट वैसे इसके अंदर काम करती है। एंड रिसेंट में कोई चेंज नहीं है। स्टेटस बार के अंदर में भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, इतने टाइम के बाद फिलहाल पूरा सेम ही रहेगा। नोटिफिकेशन के अंदर में भी वैसे आपको कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। एंड क्विक सेटिंग्स ये भी हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती पहले की तरह ही। एंड लॉकस्क्रीन की बात करें तो लॉकस्क्रीन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी पहले जैसा ही देखने को मिल जाता है। वेदर सेम है। थीम के अंदर यहाँ पे एक फॉन्ट हमें यहाँ पे न्यू देखने को मिलता है, बाकी तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। बट फॉन्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट दिया गया है, एक फॉन्ट यहाँ पे हमें न्यू देखने को मिल जाता, तो ये बस यहाँ पे एक फॉन्ट देखने को न्यू मिलता, बाकी कोई चेंज नहीं है। अदर UI के अंदर में भी यहाँ पे हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पे एनिमेशन सेम है, गेमिंग मोड ऐसे सेम रहेगा, गेमिंग की सेटिंग्स सेम मिल जाती है, बट यहाँ पे सिस्टम बिहेवियर के अंदर में देखोगे तो स्पूफिंग ये सब आपको मिलता ही है। बाकी अगर हम बाहर में चलते हैं, इसके सिस्टम इन्हेंस जो एक्सटेंशन दिया गया है इसमें इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग न्यू ऐड हुआ है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को रिमूव कर सकते हो, तो ये न्यू है। बाकी यहाँ पे सिस्टम UI ट्यूनर पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से आपको वही पहले वाला ही देखने को मिलेगा जो पहले मिला करता था। अब यहाँ पे भी नीचे जो लास्ट ऑप्शन मिलता है इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐप एंड नोटिफिकेशन के इसके अगर लॉन्चर में जाते हो तो पूरी तरीके से लॉन्चर सेम रहेगा, इसमें एक भी चेंज नहीं हुआ है, लॉन्चर सेम है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी की भी सेटिंग्स के मामले में सेम ही मिलता है, बट बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 86% मिला है, जबकि पहले उस टाइम पे 10 मंथ पहले 80% था, यानी कि बैटरी आपकी इम्प्रूव हुई है उस टाइम से। अगर अभी तक में देखोगे तो बैटरी थोड़ी इम्प्रूव हुई है। एंड डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे हमें जो है एक ही चेंज मिलता है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का, पहले ये भी यहाँ पे नहीं मिलता था, बट अभी अब देखने को यहाँ पे हमें ये भी यहाँ पे मिल जाता है। साउंड के अंदर में कोई चेंज नहीं है, आपका जो डायरेक्ट साउंड है बिल्कुल वर्किंग मिलने वाला है, काम कर रहा है डायरेक्ट साउंड, ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी काम कर रहा है। एंड फिर नीचे में हमें यहाँ पे मिलता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, जिसमें अभी भी फेस अनलॉक नहीं मिलता, बाय डिफॉल्ट ये डिक्रिप्टेड रोम ही आती है, बट सिक्योरिटी के अंदर आपको ऐप लॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट और ऐप लॉक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक नहीं है। और जो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके से आपको फास्ट ही मिलता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे फेस अनलॉक वो नहीं है। फिर नीचे सिस्टम दिया गया, जिसके अंदर जेस्चर में आपको ऑलरेडी बताई दिया सिस्टम नेविगेशन के बारे में, एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यहीं पे हमें मिल जाता है, जो कि काम कर स्क्रॉल का ऑप्शन अभी भी इसके अंदर नहीं मिलता यहाँ पे, पहले जैसा ही है। और लास्ट में डबल वॉर ऑप्शन। एंड यहाँ पे एनिमेशन के मामले में अगर हम देखें तो एनिमेशन काफ़ी अच्छा इस रोम का मिल जाता है, हालांकि टाइल्स में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ टाइल न्यू मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि FPS इन्फो का टाइल न्यू ऐड हुआ है, हार्डवेयर बटन वाला जो की का दिया गया न्यू ऐड हुआ है, पहले इसके अंदर कर्नल मैनेजर भी हुआ करता तो उसके भी टाइल हुआ करते थे, वो रिमूव किया गया, उसके टाइल भी गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे FPS इन्फो की बात करें तो ये बिल्कुल वर्किंग है, ऐड हुआ है न्यू, लेकिन यहाँ पे ये काम कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में भी नॉर्मल जो एनिमेशन था वही आपका रहने वाला है, जैसे पहले भी मिला करता था, तो ये रोम आपकी स्मूथ ही मिलती है, चाहे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो तो भी आपका एनिमेशन स्मूथ ही रहता है, इसमें कोई इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा।
वॉल्यूम पैनल सेम ही एक्सपेंड हो जाता है पहले की तरह। और अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें तो इसी अंदर भी अगर आप देखोगे तो एनिमेशन अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी लाइट लैग है और जो ऐप ओपनिंग है वो अच्छी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। और जो रीसेंट है पूरा सेम है, इसमें भी कोई चेंज हमें नहीं मिल रहा है, इसके अंदर पूरी तरीके से सेम रहेगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें प्ले स्टोर के बारे में तो प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, यानी कि जो सेफ्टी नेट है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास मिल जाएगा, बैंकिंग ऐप को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड कैमरा भी जो नॉर्मल पहले मिला करता था वही है, अभी भी आपको वही मिलता है, जिके मैनुअली इंस्टॉल करनी होगी। बाकी इसके अंदर जो AICP एक्स्ट्रास मिलता है, ऐप ड्रॉवर के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हो डायरेक्ट। और इसके अंदर FM वर्किंग है पहले की तरह ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैलरी नॉर्मल ही मिलती है इसके अंदर में, बट गूगल फोटो में इसके अंदर इंस्टॉल किया आपको दिखाने के लिए कि अब इसके अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी गूगल फोटो में मिलेगा, जो कि इस अपडेट के अंदर ये ऐड कर दिया गया। तब अनलिमिटेड फोटो अपलोड कर पाओगे और उसे ओके गूगल इसके अंदर काम करता है, पहले की तरह वर्किंग रहेगा, ओके गूगल में कोई दिक्कत नहीं है। एंड फोनोग्राफ वाला जो म्यूजिक मिलता है वो आपको पहले की तरह ही मिल जाएगा, और जैसे कि कर्नल मैनेजर रिमूव कर दिया गया, अब नहीं मिलता। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलिंग के बारे में तो कॉलिंग के अंदर वॉल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल आपको इसके अंदर वर्किंग मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली। अगर हम बात करें इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेकर के तो ये भी काम करे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका जो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो भी मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। एंटूड स्कोर 1,22,781 है, जबकि पिछले में 1,04,000 था, और पिछला जैसे कि ओल्ड वर्जन पे टेस्ट किया करता था, लेकिन अभी जो है कुछ अपडेट से काफ़ी टाइम से लेटेस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सिमिलर ही रहने वाला, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है BGMI के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम वाला जो गूगल प्ले सर्विसेज वाला इशू जो अभी कुछ कुछ रोम में मिलता है वही यहाँ पे भी देखने को मिला है BGMI के अंदर, बाकी भी तो नहीं मिलेगा बट यहाँ पे BGMI के अंदर हमें देखने को मिला है ये प्रॉब्लम। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हालांकि पहले अगर हम देखें गेमिंग मोड भी इसका तो FPS काम नहीं करता था, लेकिन अभी FPS भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, गेमिंग मोड में FPS काम कर रहा है। बट जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर में ये देखने को मिली BGMI की, तो ये एक दिक्कत है, जो कि पहले भी हमें जो है यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलती थी, बट अभी गेमिंग यहाँ पे BGMI वाला नहीं चलेगा, बाकी तो खेल पाओगे लेकिन BGMI का दिक्कत रहने वाला इसके अंदर में। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो गेमिंग इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती थी। तो यही था फिलहाल इस अपडेट में, यही सारी चीज़ें थी। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।